জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া ছোট মহিতনগর স্টেশনকে এবার পণ্য পরিবহনের কাজে লাগাতে চলেছে রেল। এর জন্য গত বছর জুন মাসে স্টেশনের সাইডিং ডেভেলপমেন্ট করার পরে আজ ওই স্টেশন থেকে কন্টেইনারের র্যাক চলাচলের কাজ শুরু করা হলো, যার উদ্বোধন করলেন রেলের কাঠিয়া ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার শুভেন্দু কুমার চৌধুরী। শুধু তাই নয়, সামনে রাণীনগর শিল্পাঞ্চল, সেই দিকে অন্যান্য বহুজাতিক বেসরকারি কোম্পানিগুলিও এর সুবিধা পাবে বলে মনে করছেন তিনি। বহুজাতিক একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরির সাথে যৌথ উদ্যোগে মহিতনগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেল সাইডিং ডেভেলপমেন্টের কাজ করছিল কাঠিয়া ডিভিশন। আজ ওই কোম্পানির কন্টেইনার রেলের র্যাকের লোডিংয়ের কাজ শুরু করা হয়, যার উদ্বোধনে আসেন ডিভিশনাল ম্যানেজার। পরে তিনি সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, আশা করা যাচ্ছে এখানে কন্টেইনার লোডিংয়ের কাজ করা ভালো হবে, আগামীতে আবার এই ব্যবস্থা উন্নতি করা হবে। শুধু তাই নয়, আগামীতে ফুড, পানীয়, ফার্টিলাইজার এর র্যাকের ব্যবহার করতে পারবে, এর জন্য মার্কেটিং করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। ये हम लोग मोहितनगर साइडिंग जो है डेवलप किया था लास्ट जून महीना में इन पार्टनरशिप विथ स्टार सीमेंट। तो ये साइडिंग को हम लोग एक तो स्टार सीमेंट का भी जो भी इनवर्ड और आउटवर्ड आता है उसको उसके लिए यूज होता है। अभी आज से हम लोग यहाँ पे जो है कंटेनर रेक का भी लोडिंग स्टार्ट किया है। तो मेरे उम्मीद है कि यहाँ पे कंटेनर रेक की लोडिंग चलेगी और फर्दर हम लोग इसको डेवलप करेंगे। यहाँ पे अगर दूसरा से कंसाइनमेंट होगा, बैग्ड कंसाइनमेंट, फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर, ये सब का भी इनवर्ड आ सकता है, आउटवर्ड जा सकता है। हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और अगर बढ़ेगा इस साइडिंग से हमारा फ़ायदा होगा, लोकल इकोनॉमी को डेवलप होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ये आप लोगों को बड़ी खुशी जानकर ये खुशी होगी कि यहाँ पे जो कोका कोला फैक्ट्री है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, उनका प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ा है और हम लोग उनको और उनका प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करेंगे। रेक कितना है और कंटेनर कितना है अभी फिलहाल, आज क्या ओपनिंग है सर? नहीं, ओपनिंग तो पहले हो चुका है बट कंटेनर का आज पहले दिन हो रहा है। कितना रेक है और कितना एक रेक है, एक रेक में 45 वागन होता है, 90 कंटेनर होता है। सर आपका ये ज्यूरिसडिक्शन में आपको दिवाली तक कुछ डेवलपमेंट के बारे में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम? इलेक्ट्रिफिकेशन तो काम चल रहा है, जून जुलाई तक हो जाएगी। न्यू जलपाईगुड़ी टू हल्दीबाड़ी, मतलब रानीनगर तो ऑलरेडी है, रानीनगर से हल्दीबाड़ी। सर जलपाईगुड़ी स्टेशन जो है वहाँ पर एक प्रॉब्लम है दार्जिलिंग में, उसका जो पीछे का बॉगी एकदम इतना दूर चला जाता है पैसेंजर को, प्लेटफॉर्म को एक्सटेंशन करने के लिए कुछ है? अभी हम लोग अमृत भारत में हल्दीबाड़ी भी नाम आया है हल्दीबाड़ी का भी, तो हम लोग अमृत भारत स्कीम जो है उसमें हल्दीबाड़ी स्टेशन को और भी बेहतर बनाएंगे। जलपाईगुड़ी भी अमृत भारत में आया है, उसको भी बेहतर बनाया जाएगा। धूपगुड़ी भी है शायद, धूपगुड़ी के बारे में नहीं बता सकता, धूपगुड़ी हमारे डिवीज़न में नहीं आता है। नया कुछ चिंता भावना दरभंगा के लिए तो आप लोग कर रही है, तो वही देख ही रहे हैं हम लोग, और कोई नया कोई इन्फॉर्मेशन? और भी हमारा यहाँ पे बहुत सारा टारगेट है, जैसे बहुत सारे लेवल क्रॉसिंग गेट के जगह हम लोग आर ओ बी लेके आएंगे, रंगपानी में आर ओ बी का प्लान है आपका, क्रॉसिंग गेट एन जे पी के पास है उसमें, वहाँ पर भी एल सी गेट, उसको भी आर ओ बी बनाएंगे। साउटंगी वो क्या नगर है वो? अंबिका नगर में भी फ्लाईओवर बनाने का है, रानी रंगपानी से फ्लाईओवर बनाना है, और भी हम लोग फ्लाईओवर का प्लान देंगे। अच्छा, आपको ये जानकर खुशी होगी जलपाईगुड़ी स्टेशन में कोच रेस्टोरेंट भी आ रहा है, वहाँ आ चुका है मगर काम चल रहा है, ओपनिंग जल्दी होने वाला है। तो ये सारा बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है। सर ये मोहितनगर और जलपाईगुड़ी टाउन का नज़दीक जो 3 नंबर लिंक है वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है लेवल क्रॉसिंग का, इतना बहुत सारे तो ट्रेन जाते हैं, तो जहाँ पर भी हम लोग का हैवी ट्रैफिक है हम लोग वहाँ सब जगह में आर ओ बी बनाएंगे। ठीक, थैंक यू।